प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों और जलकल के सभी वर्गों की सेवा संबंधी समस्याओं को सेवा से पृथक संविदा कर्मचारियों की सेवा बाहरी और ठेकेदारी प्रथा के साथ साथ दैनिक वेतन सहित अन्य समस्याओं को लेकर गुरुवार को संरक्षक नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति कौशल कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में दो दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम नगर निगम परिसर में शुरू किया। इस अवसर पर नगर निगम कर्मचारी संघ समिति के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अध्यक्ष कर्मचारी संघ राम प्रकाश सिंह ने कहा, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी मांगे लेके रहेंगे, हम अपनी मांगे 60 साल उम्र तक सेवा करते हैं। दोहरी व्यवस्था, दोहरा मानदंड कैसे चलेगा? तो है सबका अलग अलग जो है वो संगठन है, अच्छा लिए हैं, और निश्चित रूप से जब ये हमारी नहीं पिस जाती है तो बिना हम अपनी मांगों को लिए वापस नहीं जाते। लेकिन हम आपको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं, जैसा कि अभी जो है वो हमारे माननीय अध्यक्ष शशि मिश्रा जी से जो अभी कल हम लोगों की वार्ता हुई है, कल निदेशक जो बुलाए थे वार्ता के लिए, लेकिन वार्ता सफल नहीं हुई। आज विभाग जिंदाबाद अपनी मांगे लेके रहेंगे, आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय कार्यकारी 8 सितंबर 2018 को कानपुर नगर निगम में हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि जो विगत कई वर्षों से हम लोग के मांगे शासन में लंबित हैं, अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं तो 11-12 अक्टूबर को मुख्यालयों पे, नगर निगम के मुख्यालयों पे धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। 12 तारीख को अपनी मांगों के संबंध में नगर आयुक्त के माध्यम से माननीय नगर विकास मंत्री को एक ज्ञापन भेजा जाएगा, अगर उसके बाद भी हमारी बातें मानी नहीं जाती है 29-30 नवंबर को हम पूर्ण रूप से हड़ताल पर जाएंगे, जिसमें आवश्यक सेवाएं भी शामिल रहेंगी।